scared. वो जो बात कर रही थी ना, मैं कुछ जिनसे कह रही हूँ, मैं स्विट्जरलैंड की रहने वाली हूँ, काफी बार आई हूँ, कहते लेकिन जो आज व्यू दिख रहा है उठो। Look at the view. ये हमारे होटल की कम्युनिटी किचन। तो रात को ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग सामान लाके फ्रिज में रख दिया था। Honestly, बहुत टेस्टी है ये। मजा आ गया। या मम्मा वाली से बेटर है। चीकू को हजम नहीं होगा। धूप निकली आज अमेजिंग वाली। What's up guys, welcome back to the channel. आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड के शहर जर्मैट में। वो है मैटरहॉर्न पीक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीक्स है स्विट्जरलैंड में। एक ट्रेन जाती है, देयर इज अ कॉगव्हील रेल, जो हम लोग यहाँ से लेने लगे हैं, जो काफी नजदीक तक हमारे को ले जाएगी मैटरहॉर्न के। Okay, come on. Yeah, no, keep coming, keep coming. Yeah, come. It's green, green. Come on, come on. Yeah, we can help you. Let's give you another old train. Total जो journey है वो है 35 minutes की और ticket है लगभग 88 francs की एक बंदे की। लेकिन क्योंकि हमारे पास में स्विस ट्रैवल पास है, उसमें 50% ऑफ होता है और बच्चों का फ्री होता है, सो 88 ही हमारी लगी, जिसमें हम चारों जाएंगे। अदरवाइज अगर आप बिना स्विस ट्रैवल पास के आओगे तो फिर सबके लगते, तो अब काइंड ऑफ बच्चे फ्री और हमारी सबकी मिला के 88 लगी। Three times a year, and I still love it. How long have you been coming? 40 years. Wow, where do you live? The Netherlands. Netherlands, we are from Canada. Okay, where? Toronto. Anything like that. Station Express. You think this is better than Station Express? Yeah. It is? Yes. No, this is better. बात कर रही थी ना, मैं कुछ जिनसे कह रही, मैं स्विट्जरलैंड की रहने वाली हूँ, काफी बार आई हूँ, कहते लेकिन जो आज व्यू दिख रहा है ना, क्लियर स्काई और एकदम दूर से साकर है, ऐसा बहुत कम दिखता है। एक तो मैटरहॉर्न के व्यूज भी बहुत जबरदस्त है और जो ट्रैक है पूरा बर्फ से ढका हुआ ट्रैक है, अनबिलीवेबल। Only Swiss can do it.
ये थी ट्रेन जिस पे हम लोग ऊपर आए हैं, गोरना घाट ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ हम लोग 3000 मीटर से ऊपर हैं, तो हवा बड़ी ना ऑक्सीजन कम होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ऑलरेडी थोड़ी सी चले नहीं है, लेकिन हल्की सी ऐसे लग रहा है थकावट सी है। वैसे टेम्परेचर -4-5 degrees है, बट हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो जिस वजह से ठंड नहीं लग रही। लोग जो है अपने यहाँ पे स्की वगैरह लेकर आए हुए हैं, यहीं से स्टेशन, ये स्टेशन है, यहाँ से गाड़ी से उतरो, स्की लगाओ और नीचे उतर चले जाओ। ओए, एयर प्रेशर कम होता है, हमारा चिप्स का पैकेट कैसे फूल गया। आए थे तो 3 month pregnant था, अब 9 month pregnant हो गए। अब ये इसमें से निकलने लगा, चिप्स निकलने लगे। इसका मतलब हम भी थोड़े मोटे हो गए होंगे। तो अगर मैं मोटे लग रही हूँ वीडियो में तो ऐसी 29 ऐसी पीक्स दिखती हैं जो 4000 मीटर से भी ऊंची हैं क्लियर डे पे। आज वैसे काफी क्लियर है। रियली लाइट हेडेडनेस लग रहा है, 93% ऑक्सीजन है बॉडी में। ऑक्सीजन सेंसर से चेक करिए, पूरा लाइट हेडेड तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर ना एक्लेमेटाइज होने में लगती है। हाँ, सो ये जो मेरे पीछे है, ये है मैटरहॉर्न, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो कि पीक है, माउंटेन पीक है पूरे स्विट्जरलैंड में। ऊंची सबसे नहीं है ज़्यादा, दिस इज़ 4400 meters। इस पर क्लाइम करना बड़ा मुश्किल है, तो हर साल सैकड़ों लोग इसके ऊपर तक क्लाइम करते हैं, मेनली समर्स में ही करते हैं। ऐसे मैं अभी पढ़ रहा था कि इतने लोगों जो यहाँ पे हाइक वाइक और स्कीइंग वगैरह करते हैं, हर साल सैकड़ों लोगों को सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ता है। सो इतना बड़ा जो इनका एफर्ट है वो इसमें जाता है लोगों को रेस्क्यू करने में। ये ना कोई पोस्ट कार्ड लगा के चिपका दिया हो बस यहाँ, क्योंकि ना तो ठंड लग रही है। जूतों के अंदर स्नो नहीं जानी चाहिए। आज से तुमको डांट पड़ेगी पड़ेगी भाई। ठीक है। एक हमारे पास कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ना सॉक्स ना शूज। लुक एट दिस। हमें ना एक्चुअली काफी डर था कि जर्मैक में नीचे -3 degrees टेम्परेचर था, ऊपर तो और भी ठंड होगी। मतलब आई कांट टेल यू, एक तो धूप इतनी बढ़िया है, बादल नहीं है तो धूप जो लग रही है उससे थोड़ी गर्मी मिल रही है, बिल्कुल ठंड है ही नहीं। ग्लव्स भी नहीं पहने मैंने, तो हैट भी नहीं पहनी। मतलब बॉडी को ऐसे फील हो रहा है कि 0 degrees भी नहीं होगा टेम्परेचर, और बिल्कुल हवा नहीं चल रही। सारी हवा तो ये चारों तरफ के जो माउंटेन्स है ये ब्लॉक कर लेते हैं। आई थिंक अनबिलीवेबल मज़ा आ रहा है, अनबिलीवेबल व्यू। वैसे लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, हम कल शाम को ही सोच रहे थे आ जाएंगे, हमें कंडक्टर ने बोला, कह रहा नहीं भाई तुम कल सुबह जाना, बिल्कुल क्लाउड नहीं होंगे। उनको पता चल जाता है, इन लोगों को यहाँ को पता होता है लोगों को। अब हम जा रहे हैं ऊपर उधर। इसको जिधर घुमाओ ना उस पीक की इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाती है वहां पे, कितनी हाइट है, क्या ग्लेशियर का नाम है। ये तो ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म ही नहीं हो रही यहाँ पे। सो यहाँ पे इन्होंने 3100 meters पे एक चर्च भी बनाई हुई है। ओके गाइस, क्वाइट इनसाइड। ओके, प्रीस्ट के सामने होता है कन्फेशन, बीवी के सामने तो कन्फेशन कभी भी नहीं होता। नहीं, बीवी के सामने कभी कन्फेशन नहीं होते, बीवी से चीजें छुपाई जाती हैं। चले, चले,
अभी तक मैं एक्लेमेटाइज नहीं हुआ ढंग से, ऐसे ना ऐसे सांस चढ़े जा रही है। ओके वर्चुअल राइड, वर्चुअल राइड। सो यू सिट ऑन दैट एंड यू विल फील यू आर इन द माउंटेन्स पैराग्लाइडिंग। अरे वाह, आई माइट बी स्केयर्ड। एंड दिस इज इंक्लूडेड? यस, दिस इज इंक्लूडेड इन द टिकट। वेरी नाइस, दिस इज वे बेटर देन ग्लेशियर एक्सप्रेस, वे बेटर। इनसाइड से क्लीन करो बेटा, इनसाइड से। यहां रख दूंगा गाइस, आई सैनिटाइज्ड। इनसाइड से पूरा पूरा क्लीन कर। आई डिड। ओके, हुआ? नो, मोर टाइट। इसको होल्ड करके रखना है, इधर आएगा। हां, होल्ड इट, यू आर पैराग्लाइडिंग। ओ वुमन, डिड यू डू एक्शन? नो, आई एम डूइंग पैनोरामा। हाउ इज इट? पीछे पीछे खाली हुई थी, आजा, हमें अब फर्क नहीं पड़ा। समझ नहीं आ रहा है वीडियो एडिट कैसे होगी, कि कैसे करेंगे हम ये 6 घंटे। हाँ, अब जाके स्विट्जरलैंड टक्कर देने लगा है आइसलैंड को। अभी तक मुझे आइसलैंड लग रहा था कि आइसलैंड इज लाइक जो अभी तक तूने बीट कर सकता, जो आइसलैंड का लेवल था, अब लग रहा है कि आइसलैंड कुछ इतना नहीं था। नहीं, आइसलैंड बहुत अच्छा यार, देखिए पीक्स यार कमाल कर रहे इनके, इन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग के काइंड ऑफ वो दिखा रखी है कि कहाँ इतनी ऊंची 3,000-4,000 meters पे ट्रेनें पहुंचा दी हैं, ट्राम पहुंचा दी हैं, सब कुछ कर दिया है, फिनिकुलर कर दिए हैं, वो सब कहाँ आइसलैंड में थोड़ी है यार, वो तो मतलब नेचुरल ब्यूटी है सिर्फ। बट जो इतने ऊंची ऊंची पीक्स हैं, दुनिया से टूरिस्ट आता है यहाँ पे स्की करने के लिए। अरे खुद यहीं के रहने वाले कितने हमें मिल गए, जो कहना पता नहीं कितनी बार जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो एक स्विस की मिली थी, वो कह रही है कि इतना साफ कभी नहीं होता जितना साफ तुम्हें दिख गया, सो यू गाइस वर लकी। कह रही मैं पता नहीं कितनी बार आ चुकी हूँ लेकिन कभी इतना साफ नहीं दिखी है पीक्स में। ऐसा ब्रेड अच्छा लगता मेरे को, बहुत ही बढ़िया लगता है यार ये जो मल्टीग्रेन ब्रेड होता है, मेरे को इतना बढ़िया लगता है। लुक एट दिस, वो यू पुट द आइसक्रीम बिफोर द हैप्पी।